उसी तुम हत्या कर दिया, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? हेलो हेलो। लेकिन राजन, तुम्हारे घर मेरा घर है जूनागढ़ पड़ता है। तुम्हारे घर जूनागढ़, तुम्हारी पिताश्री की नाम राजा तिलक और माँ की नाम रानी महलावती और मेरा नाम राजा गोपी चंद। राजा गोपी चंद, सातों सौ मिल गई नहीं तुझे श्राद्ध दी थी? नहीं, जिस तरह अपनी पति की विरोध में सातों सौ मिल गई नहीं बरबर की ठोकरी खाएगी, इसी तरह तुम जो भी फकीर बन के दारे दारे आए भैल तो आए गलतिया आए राजा को भी चांदास सात सौ मेरा गईनी हो राजा हो बॉस भुइया बैठे बॉस भुइया दे रहा है वापस ले लो। जो कमान से तीर निकल जाती है कभी आपस नहीं होती है, जो जवान निकल जाती कभी आपस होने वाली नहीं है। मैं भी समझता हूँ, जब मैं तीर चला दिया तो चाह करके भी रोक नहीं पाता। उसी प्रकार आप मुझे श्राप दिए हैं तो मुझे श्राप लगेगा। पर बहना,
तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? हम पे थोड़ा सा उपकार कर दो, ये बता दो जो मैं क्या करूं, जो मैं इस श्राप से मुक्ति पा ले। क्या इस श्राप से तुम मुक्ति पाने के लिए चाहते हो? अगर तुम श्राप से मुक्ति पाने के लिए चाहते हो, तुम्हें गुरु गोरखनाथ के पास जाना पड़ेगा। वही गुरु रास्ते बताएंगे जो तुम्हारे मुक्ति कैसी मिलेगी। क्या मुझे बाबा गुरु गोरखनाथ के पास जाना पड़ेगा? राजन, हे भगवान, आज हमसे क्या हो गया? माँ को बचनों को काटा, आज मुझे उसकी सजा मिली। अरे बेटा बेटा कहा बाबूजी, अरे बुढ़िया जब मैया हो का बेटा के मिला नहीं हो।